हेलो दोस्तों, आज आपको ले चलेंगे इंटरसिटी बसेस की दुनिया में। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्रैवल करते हैं हाई एंड प्रीमियम बसेस से, या आप सफ़र करते हैं आम बसेस में। 2020 में वॉल्वो बस इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ VECV बस डिवीजन के साथ में। विद द मोटो ऑफ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन बस इंडस्ट्री, दिस इंटीग्रेशन ऑफर्ड इमेंस स्कोप ऑफ सिनर्जीज इन द पैसेंजर बस सेगमेंट। आज हमारे पास एक ऐसी बस रेंज है जो एक्सपीरियंस द अपग्रेड के मोटो पे आधारित है। पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए इस बस रेंज में आपको मिलेगा द बेस्ट ऑफ लग्जरी, सेफ्टी, ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स और माइलेज। सो टुडे वी हैव टू बसेस फॉर द मिड प्रीमियम सेगमेंट। पहली है इंडियाज फर्स्ट OEM बिल्ट इंटरसिटी स्लीपर बस। दोस्तों, इसमें 30 स्लीपर बर्थ हैं। और दूसरी है 43 सीटर इंटरसिटी कोच। दोस्तों, मिड प्रीमियम सेगमेंट का मतलब होता है वॉल्वो बसेस और आम बसेस के बीच की कैटेगरी, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है बस ऑपरेटर्स को, जो अपने डिमांडिंग ग्राहकों को बेहतर फीचर्स दे पाते हैं, प्रीमियम हाई एंड फीचर्स दे पाते हैं, वो भी कम कीमत पे, यानी कि बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही बसेस आयशर के 6016R LPO बस चेसी पे बनी हैं। 12.5 मीटर वाले बेहतरीन ओवरऑल लेंथ के साथ आपको बढ़िया सलून स्पेस मिल जाता है, बढ़िया कम्फर्ट मिल जाता है। दोस्तों, इस बस का चेसी आयशर के पीतमपुर प्लांट में बनता है और बस बॉडी के लिए वहाँ से आ जाता है बेंगलोर के पास होसकोटे में स्थित VECV बस के प्लांट में। इसी प्लांट हम आज आए हुए हैं इन दोनों बसेज का रिव्यू करने के लिए। ये प्लांट जाना जाता है अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। ढेर सारे फीचर्स हैं इनमें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे नए तरीके के फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। आइए एक एक करके हर एक पे नज़र डालते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट फेशिया, यूनिक टॉलबर डिज़ाइन के साथ में, खूबसूरत रेड एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन, ऊपर बड़ी सिंगल पीस विंडशील्ड, ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी देती हुई, ड्राइवर एवं पैसेंजर्स दोनों को पैनोरामिक व्यू देती हुई, बीच में से खुलने वाले वाइपर्स यहाँ पे कोने कोने तक विंडशील्ड को साफ करने के लिए, और यहाँ पे क्रोम एलिमेंट के अंदर कंपनी की ब्रांडिंग, ऊपर कंपनी का लोगो, बड़ी ग्रिल जिससे कि रेडिएटर की कूलिंग अच्छी हो जाए, और ये जो हैच है ये खुल जाता है, ये ओपनेबल है, जिससे कि ईज़ ऑफ सर्विसबिलिटी में भी फ़र्क पड़ता है। इस ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो खूबसूरत हेडलैम्प क्लस्टर आपको पूरा मिलेगा। ये फॉग लैम्प है, ये पार्किंग लाइट है, ये मेन हेडलाइट और ये प्रोजेक्टर लैम्प है एडिशनल रोशनी के लिए। नीचे की ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो फॉग लैम्प्स भी स्टैंडर्ड फिटमेंट है कंपनी की ओर से। जो इसमें आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, ORVMs हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ के इनको एडजस्ट कर सकता है। ये जो डोर है ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है, अंदर की ओर ये खुलता है, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे इसे खोल सकता है। दोस्तों, 2x1 लेआउट में ये बर्थ्स हैं, ऊपर और नीचे टोटल 30 बर्थ इसके अंदर दी गई हैं। बढ़िया कुशनिंग वाली सीट्स हैं, लगभग 2 फीट चौड़ी हैं, 6 फीट 2 इंच लंबी, 6 फीट 3 इंच लंबी है। पीछे भी बढ़िया बैक सपोर्ट है, हेडरेस्ट है फॉर कम्फर्ट ड्यूरिंग सिटिंग। बड़ी पेस्टेड विंडोज़ हैं, अच्छी नेचुरल सनलाइट सलून स्पेस के अंदर आती हुई, प्लस ये टिंटेड विंडोज़ और कर्टेंस के साथ आप नेचुरल लाइट को अंदर कंट्रोल भी कर सकते हो। बड़े स्टोरेज रैक्स हैं हर सीट के साथ में, इसी के अंदर आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉटल होल्डर्स भी लगाए गए हैं। हर एक सीट के ऊपर 2 AC लूवर्स दिए गए हैं, रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं, प्लस बर्थ लाइट्स भी दी गई हैं। आर्मरेस्ट के तौर पर भी आपको इसको समझ सकते हैं, या गैंगवे का पार्टीशन भी आप इसे समझ सकते हैं। चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे सॉकेट हर एक सीट के साथ में दिए गए हैं। इस इंटरसिटी स्लीपर बस के अंदर आपको लगभग 6.5 क्यूबिक मीटर का लगेज स्पेस भी मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल वेरी नीटली मेड स्लीपर बस। आमतौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स बाहर से लोकल बॉडी बिल्डर से बनवाते हैं उसमें इतनी फिट एंड फिनिश आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो इस बस के अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी वाली फीलिंग आएगी। वाह, क्या नज़ारा है! इतने शानदार इंटीरियर्स, वो भी प्रीमियम हाई एंड बसेस के मुकाबले आधी कीमत पे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इसके इंटीरियर्स हैं, 2x2 सीटिंग लेआउट है, बड़ी पेस्टेड विंडशील्ड हैं, बड़ी पेस्टेड विंडोज़ हैं, अच्छी नेचुरल लाइट अंदर आते हुए, कर्टेंस की मदद से आप नेचुरल लाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। 2x2 सीटिंग लेआउट में ये जो हमारे पास वेरिएंट है इसमें 43+D सीटिंग है, हरिता मैग्नम वाली प्रीमियम सीट्स इसके अंदर लगी हुई हैं, पुशबैक सीट्स हैं ये, और जो गैंगवे है ये भी काफ़ी चौड़ा है फॉर ईज़ ऑफ पैसेंजर मूवमेंट। जो इंटरनल हाइट है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। मेरी हाइट दोस्तों 6'2" है और अच्छा खासा गैप अभी भी इसमें बचा हुआ है। सीट्स कैसी कंफर्टेबल हैं, क्या इसकी खासियत है, वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं।
दोस्तों पुशबैक सीट्स हैं ये हरिता मेक की। लग्जरी बसेस के अंदर आप सब लोगों की पहली पसंद हरिता सीट्स होती है, वही सीट्स इसके अंदर लगी हुई है। हर एक सीट के ऊपर इंडिविजुअल आर्मरेस्ट लगा है, बीच वाले आर्मरेस्ट के नीचे आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। सामने की ओर आपको कोट हुक है, बॉटल होल्डर है, मैगजीन पाउच है, नीचे फुटरेस्ट भी है। दोस्तों जो हमारे पास अभी वेरिएंट है इसमें काफ सपोर्ट नहीं है, हालांकि आप काफ सपोर्ट वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हैं जिसमें कि आपको एक रो कम मिलती है, 39+D वाला सीटिंग लेआउट मिल जाता है। ऊपर बढ़िया फिट एंड फिनिश वाली पैडेड हेड रैक है, इसी में एसी लूअर्स इंटीग्रेटेड हैं हर सीट के ऊपर, रीडिंग लाइट्स हैं और स्पीकर्स भी यहाँ पे, प्लस पूरी पूरी हेड रैक पे आपको ये LED पैनलिंग नज़र आएगी, गिविंग अ वेरी गुड एम्बियंट फीलिंग ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। सो ऑल इन ऑल वी हैव टू से वी आर डिलाइटेड टू सिट इन दिस बस, वेरी गुड एस्थेटिक्स, वेरी गुड कंफर्टेबल बस। दोस्तों ये है प्रॉपर ड्राइवर एरिया, बेहद खूबसूरत डैशबोर्ड, एर्गोनॉमिकली डिजाइन डैशबोर्ड है ये। हर एक कंट्रोल ड्राइवर के इजी एक्सेस में है, किसी भी चीज़ के लिए ड्राइवर को अपनी सीट से हिलने की ज़रूरत नहीं है। सामने विंडशील्ड, जैसा कि हमने आपको बताया था, बहुत बड़ी सिंगल पीस विंडशील्ड है, चारों तरफ का मोटा मोटा आपको इसके अंदर दिख रहा है। हाइट भी इसकी बहुत है और काफ़ी चौड़ी है ये। जब सामने की ओर से धूप बहुत ज़्यादा हो तो आप इस सन ब्लाइंडर को डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ओर आपको काफ़ी सारे स्विचेस मिलेंगे, डमी स्विचेस हैं इसमें से काफ़ी सारे, कुछ लाइव स्विचेस भी हैं। ये दरवाजे को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, न्यूमेटिक डोर के लिए, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा ड्राइवर के लिए। ये AC कंट्रोल यूनिट है सलून एरिया एवं ड्राइवर केबिन एरिया के लिए। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये रिवर्स कैमरा का डिस्प्ले यूनिट है। बस के पीछे की ओर छत के पास में एक रियर व्यू कैमरा लगा हुआ है, उसका ये डिस्प्ले यूनिट है जिससे कि ड्राइवर को ऑलराउंड विजिबिलिटी में मदद मिलती है। बेहद खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें सामने लगा है, चार इसमें डायल्स हैं, स्पीडोमीटर है इसके अंदर, इंजन RPM मीटर है, इंजन टेम्परेचर है एवं फ्यूल गेज भी है। बीचों बीच आपको एक बड़ी MID स्क्रीन मिल जाएगी, ढेर सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है, किलोमीटर से रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड, ट्रिप डिस्टेंस से रिलेटेड, माइलेज एवं डेट जैसी तमाम जानकारियाँ। प्लस इसमें फ्यूल कोचिंग नाम का भी फीचर है जो कि ड्राइवर को गाइड करता है, उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करवाता है। राइट साइड में देखेंगे तो आपको इधर M-Booster प्लस वाले पावर इको इको प्लस बटन मिल जाएंगे, रीजनरेशन स्विचेस भी हैं इसी ओर, और ऊपर की ओर जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल भी राइट साइड में दिया गया है। दोस्तों ये जो 2-spoke स्टेयरिंग व्हील है, दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, सो ड्राइवर अपने साइज के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकता है और ऊपर नीचे कर सकता है। जब कंफर्टेबल स्टेयरिंग पोजीशन होगा तो ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फटीग कम होती है, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी ज़्यादा मुनाफा। ये जो ड्राइवर सीट है ये भी एयर सस्पेंडेड है, प्लस इसमें आप अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सेफ्टी के लिए आपसे दोस्तों इस बस में एयर ब्रेक्स लगे हैं, ड्राइवर सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट भी दिया गया है, ABS है इस बस के अंदर, यहाँ पे हमने आपको रिवर्स कैमरा का डिस्प्ले यूनिट भी बताया, प्लस पीछे वाला जो बम्पर है उस पर सेंसर्स लगे हैं, रिवर्स पार्क असिस्ट सिस्टम इसे कंपनी कहती है। अगर उनके नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट आता है रिवर्स गियर के अंदर तो यहाँ पे इस एरिया में बीप सिग्नल के साथ में वो अलर्ट करके ड्राइवर को चेता देता है। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉकपिट टाइप ड्राइवर केबिन। आमतौर पे ट्रक्स एंड बसेस के अंदर इस तरीके का ड्राइवर एरिया आपको देखने को नहीं मिलता। पीछे की ओर रियर इमरजेंसी एग्जिट है विद फोल्ड डाउन स्टेयर्स, जो कि काम आती है इमरजेंसी के समय में और यात्रियों को बस से एग्जिट करने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए आपको बस के हर एक पिलर के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट के साथ में हैमर्स मिलेंगे, पैनिक बटन मिलेगा, ड्राइवर सीट के पीछे फायर एक्सटिंग्विशर मिलेंगे एवं ड्राइवर सीट के पीछे भी बड़े हैमर्स दिए गए हैं। किसी भी बस की नींव होता है चैसी, बहुत ही मजबूत डोमेक्स चैसी पे बस बनी हुई है जिससे कि बस की लाइफ बढ़ जाती है, साथ ही साथ सेफ्टी बढ़ जाती है हाई स्पीड्स पे इन केस ऑफ अ हेड ऑन कोलिजन। ये फ्रंट इंजन बस है जिसमें आपको वॉल्वो टेक्नोलॉजी बेस्ड VDX5 इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 210 हॉर्स पावर की ऑप्टिमम पावर एवं 825 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क फॉर बेटर पिकअप। 6-speed ओवरड्राइव गियरबॉक्स के साथ ये 4-cylinder इंजन आपको 4.5 से 5.5 किलोमीटर प्रति लीटर की बेहतरीन माइलेज देता है। इस बेहतरीन माइलेज का मतलब है बिग सेविंग्स ऑन एवरी ट्रिप जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बस की माइलेज को एनहेंस करने के लिए इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स लगे हैं। पहला है M-Booster Plus टेक्नोलॉजी वाले मल्टी ड्राइव मोड्स
जिनको आप सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पैसेंजर लोड एंड रोड टेरेन। इको, इको प्लस एवं पावर नाम के तीन बटन्स आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। दूसरा फीचर है फ्यूल कोचिंग, जो कि गाड़ी में लोड, इंजन आरपीएम और रोड ग्रेडियंट के हिसाब से ड्राइवर को निरंतर गाइड करता रहता है कि गियर अप करें या डाउन। तीसरा फीचर है क्रूज कंट्रोल। लंबे इंटरसिटी रूट्स पे इस फीचर के माध्यम से ड्राइवर एक पर्टिकुलर स्पीड पर बस चला सकते हैं बिना एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस किए। 450 लीटर का इसमें डीजल टैंक है, 33 लीटर का एडब्लू टैंक है। बड़ा डीजल टैंक होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रैवल में आपको रिफ्यूलिंग के लिए बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि पैसेंजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। 62 mm के व्हील बेस पे बस आधारित है, जिस पे आपको 12.4 मीटर की बेहतरीन ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। 2600 mm इसकी चौड़ाई है, जिससे कि सलून स्पेस के अंदर बढ़िया स्पेस मिल जाता है गैंगवे मूवमेंट्स के लिए, शोल्डर स्पेस के लिए। 23.7 मीटर इसका टर्निंग सर्कल डाया है, और अगर आप टायर्स पर नज़र डालेंगे तो 22.5 इंच के बड़े रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं इसमें। पीछे की ओर एयर सस्पेंशन भी इसमें फिटेड है, जिससे कि पैसेंजर एक्सपीरियंस, पैसेंजर कंफर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसके मेंटेनेंस, रखरखाव एवं कीमत पे। भरोसे के तौर पे इसके इंजन एवं ट्रांसमिशन पे 4 साल 4 लाख किलोमीटर की वारंटी दी है। पूरी पूरी बस बॉडी पे आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। सर्विस इंटरवल के तौर पे आपको 80,000 किलोमीटर का लॉन्ग सर्विस इंटरवल्स इस बस में रखे गए हैं। साथ ही साथ जब हम सर्विस की बात करते हैं, तो क्योंकि ये इंटरसिटी बसेज हैं, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, तो सर्विस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आइशर ने 90 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में ऑल अक्रॉस इंडिया संडेज को भी आफ्टर मार्केट सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। प्लस 14 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे आपको नाइट में भी गाड़ी के सर्विस रिलेटेड सपोर्ट मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ऑन टॉप ऑफ इट आप आइशर ऑन रोड सर्विस एवं आइशर अपटाइम सेंटर का भी सेवाएं ले सकते हैं। इन दोनों बसेस से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप बात करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।